ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਮਲੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ RPG ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਕਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇਸ RPG ਦਾ ਰਾਕਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ। हाँ, कश्मीर दे विच अतवादी सरगर्मियां दे विच RPG दी वरतों, इस ग्रनेड दी वरतों जरूर होया करती सी। वड्डा सवाल यह है कि RPG हमलावरां दे कोल आखर आया कित्थों? की हमलावरां दे कोल एक ही RPG सी जां होर भी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रनेड अजिहे हो सकदे ने दहशतगर्दां दे कोल कि ड्रोन दे जरिए भारत पहुंचाया गया यह हथियार? यह वड्डा सवाल हाले भी बरकरार। जिहा तुहानूं दस दिए, अपने आप दे विच कई सवाल इत्थे पैदा होंदे विखाई दिंदे ने। जिथे एक पासे DGP कहिंदे ने कि साडे लई एक चुनौती है, मामला असीं जल्द सुलझा लांगे, पर जिस ढंग दे नाल इह उलझन भरिया मामला पंजाब पुलिस दे सामने, इंटैलीजेंस दे सामने आया, कई नवीं गल्लां निकल के सामने आ रही ने। RPG रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रनेड जिहड़ा सुट्टिया गया सी, ग्रनेड जिसका इस्तेमाल भारत की फौज वल्लों कीता ही नहीं जांदा, सिर्फ अतवादी हमलों दे विच जरूर कीता जांदा सी जदों कश्मीर दे विच होया करदे सी अतवादी हमले। वड्डा सवाल यह है कि भारत दे विच यह RPG आया कित्थों? कि ड्रोन दे राही सरहद पारों सुट्टिया गया? कि हमलावरां दे कोल अजिहा एक ही ग्रनेड सी जां होर भी कई ग्रनेड हो सकते ने? इसे करके दोषियों नूं फड़े जाना, दोषियों का फड़े जाना और जल्द तो जल्द फड़े जाना बेहद जरूरी, क्योंकि खतरा हाले भी मंडरा रहा है। जेकर दहशतगर्दां दे कोल, हमलावरां दे कोल अजिहा होर अस्त्र मौजूद है तो समझिया जा सकता है कि खतरा हले टलिया नहीं है। मोहाली के दस दिए सैक्टर 77 स्थित लंघी रात 7:45 के करीब RPG के नाल हमला किया गया। इंटैलीजेंस की बिल्डिंग, जहाँ इंटैलीजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग है, हैडक्वाटर है, 3 मंजिल के उपर यंत्र के नाल यह RPG सुटिया गया। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रनेड नूं फायर किया गया जो कि 3 मंजिल से जाके बजे। कल देर शाम मोहाली दे स्टेट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर दे उते RPG हमला होंदा है, ते हमला भी ठीक उस जगह ते होंदा है जिथे इंटेलिजेंस दा दफ्तर हैगा, ते उते कुछ लोग मौजूद भी होंदे। हालांकि दस्या जा रहा है कि जिस वेले हमला होया उस वेले पूरी तरीके नाल खाली सीगा, सुनसान सीगा, लेकिन इस हमले दे पिछे कारण जिहड़ा दस्या जा रहा है, जिहड़ी एक चीज़ दसी जा रही है और रेकी एक चीज़ दसी जा रही है कि इस पूरे हमले दे पिछे हमलावर वालों पहला रेकी की गई सी, ते इस दे विच जिहड़ा RPG यूज़ किया गया है, जिस दे नाल हमला किया गया है, दरअसल ये जिहड़ा RPG हैगा ये पाकिस्तान ते अफगानिस्तान समेत 12 देश जिहड़े हैगे ओह इस RPG दा इस्तेमाल करदे, जबकि भारतीय सेना इसका इस्तेमाल नहीं करती। यानी कि इस वेले की एक वड्डी ते अहम जानकारी असी अपने दर्शकों नाल सांझी कर रहे हैं कि जिहड़ी जानकारी सानू आर्मी दे सूत्रों दे हवाले तो मिली है कि जिहड़ी RPG दा जिसका इस्तेमाल इस दे विच कीता गया वो RPG इंडियन बेस्ड नहीं सी, यानी कि वो जिहड़ा हथियार हैगा वो इंडियन हथियार नहीं हैगा, वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान समेत दुनिया के 12 देश उसका इस्तेमाल करते ने। जदों कश्मीर दे विच अतवाद का दौर सीगा तो उस वेले इस RPG का उपयोग आतंकी गतिविधियां लई कीता जांदा सीगा, लेकिन उस तो बाद भारत दे विच इस RPG का इस्तेमाल बंद हो चुके है पूरी तरीके नाल। तो सवाल यह है कि RPG जिहड़े हमलावर वालों इस हमले दे विच यूज़ किया गया उन्होंने हाथ किवें लग्या, किवें उन्होंने कोल RPG पहुँचा, कि इसका संबंध सीधे तौर पर पाकिस्तान के नाल है या होर अफगानिस्तान के नाल है या उन्हों होर 10 देशों के नाल है जेड़े कि इस RPG नू इस्तेमाल करते हैं। जेड़े सानू सूत्र दे हवाले तो जानकारी मिल रही है कि इस दे पिछे कोई वड्डी साजिश नू जड़ा घटना नू अंजाम देने की कोशिश सी, लेकिन इस वेले भी तुसी वेख सकते हो कि NIA दी टीम्स इत्थों निकली है, NIA भी लगातार इत्थे इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस वेले दी अहम जानकारी असीं अपने दर्शकों नाल जिहड़ी सांझी कर रहे हैं कि जिहड़ा RPG इस्तेमाल किया गया वो RPG भारत दा दे विच इस्तेमाल नहीं होंदा, पाकिस्तान ते अफगानिस्तान समेत दुनिया के 12 देशों के सिर्फ यूज़ होंदा है।
ते सवाल यह है कि इन्हों लोगों के कोल इन्हों हमलावर को आर पी जी किवें पहुंचा तो इन्हों का संबंध किस दे नाल है। मोहाली तो कैमरामैन जगजीत सिंह दे नाल अंकुश महाजन PTC न्यूज़। तो वाकई ही वड्डा सवाल यही बरकरार है कि आखिरकार हमलावरों के कोल हथियार आया किवें, कि अजिहा होर असला बरूद हमलावरों के कोल मौजूद है, खतरा हले टलिया नहीं है। लगातार यह सवाल पुलिस के सामने भी खड़ा है कि आखिरकार यह हथियार पहुंचा किवें। इत्थे साडे नाल साडे सहयोगी अंकुश महाजन जुड़ रहे हैं होर अपडेट के लिए। अंकुश, जानना चाहेंगे तुहाडे कोलों कल रात तो लैके हुण तक काफ़ी समा बीत चुका है, उपरों जिस ढंग के नाल CM का अड बयान आता है तो DGP का बयान अड आता है, कुल मिला के की समझा जाए इस गुत्थी नूं सुलझाउंदे किन्ने क नेड़े पहुंची है पुलिस, ते होर की कुछ नवीं गल्लां निकल के सामने आ रही ने? अमित, बिल्कुल, पहले तो सब तो पहला इस वेले की एक वड्डी अपडेट देना चाहवांगा कि इस वेले भी जेड़ा पूरी तरीके नाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जिथों ये RPG दे नाल हमला किया गया उस थां ते तुसी वेख सकते हो कि NIA ते पंजाब पुलिस की टीम जॉइंटली जिहड़ी है सर्च ऑपरेशन कर रही है झाड़ियाँ दे विच, क्योंकि जिहड़ा RPG जिहड़ा अटैक हुंदा है इहदे पिछे जिहड़ी सानूं जानकारी मिली है जिहड़े जिहड़े आर्मी दे ऑफिशियल्स तो जिहड़े सूत्रां दे हवाले तो जिहड़ी जानकारी साडी उहनां नाल जिहड़ी गलबात होई है, उन्होंने दस्सिया कि जदों इस तरीके का RPG अटैक हुंदा है तो उहदे पिछे उसका खोल जिहड़ा उह पिछे जाके गिरदा है, तो जदों ये हमला किया होना तो उदा कुछ ना कुछ हिस्सा जिहड़ा वह पिछे गया होना, तो ये देख सकते हो कि तुसी किवें माइन्यूटली तरीके दे नाल एक चीज़ की घोख इत्थे कीती जा रही है, परतां कढ़ियां जा रही हैं झाड़ियाँ दे विचों, क्योंकि इत्थों ही तकरीबन जिहड़ा 80 to 100 meters का जिहड़ा दायरा है जिथे ये बिल्डिंग हैगी। एक बार तुहानूं वो स्पॉट दिखादा, बिल्डिंग दिखादा जिथों खड़ के जिहड़ा जड़ा जिस थां ते अटैक किया गया हमला किया गया वह भी ठीक सामने असी बिल्डिंग वेख सकते हैं कि इत्थों ही खड़ के जी बिल्डिंग के उत्ते जड़ा अटैक किया गया हो सकता है, इसलिए इत्थे पूरी जड़ी है माइन्यूटली तरीके दे नाल जड़ी जांच NIA ते पंजाब पुलिस वालों जॉइंटली ऑपरेशन के तौर पर इत्थे की जा रही है, तो तस्वीर तुसी वेख रहे हो ये लगातार PTC दे उत्ते दर्शक सीधियां ते लाइव तस्वीरां इत्थे वेख रहे हैं कि किवें इत्थे जिहड़ी है जांच इत्थे कीती जा रही है, हर एक चीज़ की माइन्यूटली तरीके दे नाल उहनूं परख्या जा रहा है, क्योंकि पुलिस किसी भी तरीके का कोई लूप होल छड़ना नहीं चाहती। हुण सिर्फ इस दे विच पंजाब पुलिस ही इनवॉल्व नहीं बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी हुण इस जांच दे विच जुटियां हुई हैं, वेख सकते हो तुसी कि किस तरीके नाल झाड़ियां दे विच इक चीज़ की परत तक परत खोलन की कोशिश जी करन की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर छोटा जा भी क्लू हाथ लग जाए जिस कारण ये आरोपिया दी धरपकड़ जिस जड़ा कि काफ़ी लाहेवंद हो सकता, जिहड़े साढ़े सूत्र सानू दस रहे ने पंजाब पुलिस के जिहड़े साढ़े सूत्र है वह दस रहे हैं कि तकरीबन 11 to 15 के करीब जिहड़े संदिग्ध है उन्होंने हिरासत के लिता गया है, भावें मुख्यमंत्री वालों ये जरूर मीडिया सामने आके कहा गया हो कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं तो कुछ हले होनी है बाकी हैं, लेकिन हले भी जड़ा वो जबकि DGP वालों किसी भी गिरफ्तारी तो हले मनाई की गई है। लेकिन अमित, तुहानू मैं इत्थे एक चीज़ होर दसना चाहवांगा कि जदों भी इस तरह की कोई घटना होंदी है तो उस दे विच तद तक मीडिया के सामने पुख्ता जानकारी नहीं रखी जाती, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तद तक नहीं दिती जाती जब तक कोई प्रॉपर क्लू या प्रॉपर कोई कामयाबी हथ ना लगे, क्योंकि अगर इस तो पहले ही सारी जानकारी अगर इस नूं शेयर कर दिता जाता है तो वह जांच के उत्ते भी असर पा सकता, इसीलिए बिल्कुल समझा जा सकता है कि जांच डूंघाई दे नाल कीती जानी चाहिए है और दोषी जल्द तो जल्द गिरफ्तार किए जाने चाहिए ने। उम्मीद यही करते हैं कि पुलिस के हाथ कामयाबी जरूर लगेगी। फिलहाल बेहद शुक्रिया अंकुश इन्होंने तमाम तस्वीर